आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरी वार्ला ब्लॉग्स और मैं हूँ आप सभी की दोस्त मेरी वार्ला। आप लोग कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो अभी क्रिसमस का माहौल स्टार्ट हो गया, क्रिसमस आ गई है। अभी आज तो 17 तारीख है, 17 दिसंबर, लेकिन 25 दिसंबर में आने में अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हमारे यहाँ क्रिसमस की जो तैयारी है वो स्टार्ट हो गई है और मैं आज आप लोगों के साथ में केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और आप लोगों को लग रहा है कि इतना जल्दी मैं क्यों स्टार्ट कर रही हूँ क्रिसमस का जो भी मिठाई वगैरह बनाना, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे यहाँ क्रिसमस के पहले ही हमारे रिश्तेदार जो हैं उनसे हमारा मिलना जुलना स्टार्ट हो जाता है और हम उन्हें गिफ्ट या फिर मिठाई वगैरह देना स्टार्ट कर देते हैं और वो भी हमारे लिए कुछ कुछ लाते हैं। हमारे यहाँ भी पूरा क्रिसमस वाला माहौल है, पूरा क्रिसमस लग रहा है क्योंकि हमारे यहाँ आज से गैदरिंग भी स्टार्ट हो गई है। और क्रिसमस में जब हम लोग काम करते हैं और बैकग्राउंड में हमारे झारखंड का नागपुरी क्रिसमस गाना बजता है तो बहुत अच्छा लगता है। एंजॉय करते हुए हम लोग अपना काम को स्टार्ट करते हैं और करते हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ में नमक वाली केक शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि नमक वाली केक कैसी होती है, तो चलिए फिर देखने के लिए चलते हैं कि ये नमक वाली केक कैसी होती है और इसके लिए मैं क्या क्या सामग्री इस्तेमाल कर रही हूँ मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ। ये चीनी है जिसे मैंने पीस लिया है, ये मैदा है इसे मैंने छान लिया है, काजू, किशमिश, चेरी, बेकिंग पाउडर, रिफाइन ऑयल, वनीला एसेंस और 4 अंडे लिए हैं मैंने और 1 मेजरिंग कप है और इसमें मैंने पीसी हुई चीनी रखी है 1 कप। सबसे पहले मैं इसमें 4 अंडे तोड़ लेती हूँ। इसे भी मैं अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। तो इसमें मैं 1 कप पीसी हुई चीनी डाल दूंगी और उसके साथ भी इसे मैं अच्छी तरह से मिलाऊंगी। मैं चीनी और अंडा को भी अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। चीनी और अंडा अच्छी तरह से घुल गया है तो अब इसमें मैं मैदा डालूंगी। मैदा को हम लोगों को हल्का हल्का मिलाते हुए डालना है। तो मैंने 1 कप मैदा लिया है, 1 कप रिफाइन ऑयल लिया है, 1 चम्मच में इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। मैं इन सभी चीज़ों को भी अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। इसमें लगभग 1/2 चम्मच में एसेंस डाल रही हूँ, वनीला एसेंस का यूज़ कर रही हूँ केक बनाने के लिए। इसे भी हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। केक की बैटर जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो गई है तो अब इसे मैं केक टिन में डाल देती हूँ। केक टिन में मैंने रिफाइन ऑयल ऐड कर लिया है तो अब इसमें मैं बटर को डाल देती हूँ। पहले मैं 1/2 बटर को डालूँगी, उसके बाद मैं इसमें ड्राई फ्रूट डालूँगी। जितने ड्राई फ्रूट है उसे मैं अच्छी तरह से कवर कर देती हूँ और ये लगभग सेट हो गया है। तो इसे अब हम लोग पकाने के लिए ले चलते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं नमक वाली केक बनाने वाली हूँ। तो देखिए मैंने ये कढ़ाई लिया है और उसमें मैंने नमक डाल दिया था और इसे मैंने 5 मिनट पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें मैं 1 टिफिन का ढक्कन डाल दूंगी और जो मैंने बैटर रेडी किया है वो वाला बर्तन जो है उसको भी मैं इसमें रख दूंगी और इसे मैं ढक दूंगी और इसे मैं धीमी आंच में 35 से 40 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और उसके बाद फिर इसको हम लोग देखते हैं। 40 मिनट हो गए हैं, अब हम लोग ढक्कन हटा करके केक को चेक कर लेते हैं। मैं 1 चम्मच से केक को चेक करती हूँ तो देखिए ये बिल्कुल क्लीन है, यानी कि केक अच्छी तरह से पक गया है। तो इसे हम लोग थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसे प्लेट में निकालेंगे। ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत स्पंजी है और ये देखिए बहुत स्पंजी बना है। इसे मैं आप लोगों को अब कट करके दिखाती हूँ। देखिए बहुत स्पंजी है।
ये खाने में बहुत ही टेस्टी बना है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।